हेलो दोस्तों, दिस इज़ जैन तवानिया और आज हम पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है। ये आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस मोशन इन वन डायमेंशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड रिलेटिव वेलोसिटी, ये टॉपिक हम यहाँ पर कवर करेंगे। चूँकि हमारे पास जो सिलेबस दिया हुआ है वो पूरा सिलेबस नहीं दिया हुआ है, जैसे बात करें 2D और 3D की, जैसे मोशन इन प्लेन, मोशन इन स्पेस, ये हमें नहीं दिया हुआ है सिलेबस में, तो उन टॉपिक्स को भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में भले ही सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसलिए 2D 3D वाला जो पार्ट है वो हम इसी चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। क्योंकि काइनेमेटिक्स पूरा कवर करता है, जिसमें 1D 2D और 3D सभी आता है। ठीक है, तो चलिए भाई हम स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स गति की, चैप्टर नंबर 3। सबसे पहले बात करते हैं हम गति की, गति क्या होती है। ठीक है, तो किसी कण या कणों के निकाय की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन की अवस्था को, यानी कि किसी कण या कणों के निकाय का अगर स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, गति। जैसे मैं बात करूं कि हमारे पास ये पेंसिल है और इस पेंसिल को मैं यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ, जैसे मैंने क्या किया, इस पॉइंट से पेंसिल को मैंने यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो पेंसिल का जो ये शिफ्ट हुआ है, ये शिफ्ट हुआ है, इसी को हम इस पेंसिल की क्या कह देंगे, गति कह देंगे। क्या कह देंगे, गति कह देंगे। तो यहाँ पर गति क्या है कि अगर कोई कण, वस्तु या निकाय अपनी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन करता है तो उसी को हम क्या कह देते हैं, गति कहते हैं। क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ठीक है, और इसी के साथ ही गति का अध्ययन करने वाली जो भौतिकी होती है, गति का अध्ययन करने वाली जो भौतिकी है इसको हम क्या कहते हैं, यांत्रिकी। ठीक है, गति का अध्ययन करने वाली भौतिकी को हम क्या कह देते हैं, यांत्रिकी या फिर मैकेनिक्स। तो इसे कैसे कहेंगे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ पार्टिकल इज नोन एज मैकेनिक्स। ठीक है ना, मैकेनिक्स क्या है, किसी भी कण की गति का अध्ययन करना। ठीक है, चलिए, तो मैकेनिक्स हमारे पास कितने टाइप की हो सकती है, तो यहाँ पर हमारे पास मैकेनिक्स जो है उसको तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, तीन भागों में बांटा गया है। पहली हमारे पास है स्टैटिक्स, पहली क्या है, स्टैटिक्स। दूसरी क्या है, काइनेमेटिक्स। पहली क्या है, स्टैटिक्स, दूसरी काइनेमेटिक्स और तीसरी डायनेमिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैटिक्स क्या होता है, तो स्टैटिक्स जो है उसमें हम स्थिर वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। किसका, स्थिर वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। तो स्थिर वस्तुओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, स्टैटिक्स कहलाता है। इसको हिंदी में स्थिति विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थिति विज्ञान। इन वस्तुओं पर परिणामी बल हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। इन वस्तुओं पर परिणामी बल हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो स्टैटिक्स क्या होती है, स्थिर वस्तुओं पर अध्ययन करना और इन पर जो परिणामी बल होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, ये स्टैटिक्स कहलाती है। दूसरी बात करें काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स क्या होती है, इसको हम कहते हैं शुद्ध गति की। क्या कहते हैं, शुद्ध गति की। अब शुद्ध गति की क्या है, तो इसमें क्या किया जाता है, गति का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, गति का अध्ययन किया जाता है, परंतु गति के कारणों का अध्ययन नहीं किया जाता है, अर्थात उन पर विचार नहीं किया जाता है। ठीक है, तो गति का तो अध्ययन करते हैं इसमें, लेकिन उस गति के उत्पन्न होने के कारणों पर विचार नहीं किया जाता, तो इसे क्या कह देंगे हम, काइनेमेटिक्स। ठीक है,
नेक्स्ट डायनेमिक्स। डायनेमिक्स किसे कहते हैं? तो गति विज्ञान ही होता है ये। क्या होता है? गति विज्ञान होता है। इसमें क्या कहते हैं, गति का तो अध्ययन किया जाता है, साथ ही साथ उस गति के कारणों का भी विचार किया जाता है, उस गति के कारणों का भी विचार किया जाता है। ठीक है, अब दोनों में क्या अंतर है? इसमें कारणों का अध्ययन नहीं किया जाएगा, विचार नहीं किया जाएगा, इसमें कारणों का अध्ययन या विचार किया जाएगा। ठीक है, अपने जो आरबीएससी की जो बुक आती थी पहले हैं, उसमें ये जो चैप्टर है वो डायनेमिक्स के नाम से है, और जो हमें सिलेबस में दिया हुआ है आरपीएससी सेकंड ग्रेड के, वो काइनेमेटिक्स दिया गया है। तो बात दोनों सेम है, ठीक है, साथ के साथ हम यहाँ पर कारणों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कारणों का अध्ययन भी करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में क्या अंतर है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम एक ऐसे टॉपिक पे चलने वाले हैं जो हमारे मैकेनिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं निर्देश तंत्र। क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र। अब निर्देश तंत्र क्या होता है? ठीक है, चलिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैंने ये पेंसिल रखी हुई है, इस पेंसिल की स्थिति क्या है, इस पेंसिल की स्थिति क्या है, तो आपके आप जो आंसर दोगे वो मैं बताता हूँ। कि आप ये कहोगे कि जो पेंसिल रखी हुई है वो पेपर पे रखी हुई है, फिर मैं आपसे ये पूछूंगा कि पेपर कहाँ रखा हुआ है, तो आप बोलोगे पेपर जो है वो डेस्क पे रखा हुआ है। फिर मैं ये आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि डेस्क कहाँ पे रखा हुआ है, तो आप यही कहोगे कि रूम में रखा हुआ है। फिर आपसे पूछा जाए रूम कहाँ पर है, तो आप कहोगे कि रूम घर के अंदर है। फिर मैं घर के बारे में पूछूंगा घर कहाँ पर है, तो आप क्या कहोगे? सिटी के अंदर है। ठीक है, सिटी के अंदर है, या फिर आप कोई स्कूल का नाम बताओगे कि उस स्कूल के पास है। तो आपको किसी भी वस्तु या किसी भी कण की स्थिति का पता करने के लिए आप किसी न किसी के रेस्पेक्ट में बता रहे हो। जैसे पेंसिल का पूछा मैंने कि पेंसिल कहाँ पर रखी हुई है, तो आपने क्या कहा? पेपर पर रखी हुई है। तो किसके रेस्पेक्ट में बताया आपने? पेपर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, आप ये भी बोल सकते थे डेस्क पर रखी हुई है, लेकिन आपने किसके रेस्पेक्ट में बताया? पेपर के रेस्पेक्ट में। मैंने आपसे पूछा पेपर कहाँ पर रखा हुआ है, तो डेस्क के रेस्पेक्ट में बताया। ठीक है, फिर अगर डेस्क की पूछा तो रूम के रेस्पेक्ट में बताया। तो किसी भी वस्तु का अध्ययन करने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता होती है, जिसके रेस्पेक्ट में हम उसकी स्थिति का अध्ययन करते हैं। इसी को हम क्या कह देते हैं? निर्देश तंत्र। क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। वह निकाय जिसके सापेक्ष कण की स्थिति का अध्ययन किया जाता है, वह निकाय जिसके सापेक्ष कण की स्थिति का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक है, तो निर्देश तंत्र किसे कहते हैं? किसी कण की स्थिति का अध्ययन करना, किसके सापेक्ष? किसी तंत्र के सापेक्ष या निकाय के सापेक्ष, उसी को हम निर्देश तंत्र कहते हैं। ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का। कौन कौन सा? तो एक तो होता है वामावर्त और दूसरा होता है दक्षिणावर्त। ठीक है, और हम जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो कौन सा वाला यूज़ करते हैं? दक्षिणावर्त यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये वाला कौन सा हो गया? वामावर्त, और दूसरा क्या हो गया? दक्षिणावर्त। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन को हमने दो टाइप से बांटा हुआ है, दो टाइप से बांटा हुआ है। ठीक है, तो पहला तो है हमने ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, एंड द अदर इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोशन। ठीक है ना, विमाओं के आधार पर, और दूसरा जो गति गति की प्रकृति के आधार पर। ठीक है ना, विमाओं के आधार पर, दूसरा गति की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले विमाओं के आधार पर देखें तो हमने पढ़ा हुआ है 1D, 2D, 3D मोशन, 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन। ठीक है, तो 1D मोशन क्या होती है? रेखीय गति। ठीक है, लीनियर मोशन कहते हैं। ये हमेशा एक दिशा में होती है। कितनी दिशा में होती है? एक दिशा में होती है। जैसे रेल की पटरी पर रेल की गति,
रेल की पटरी पर जो रेल गति करती है वो एक लीनियर मोशन करती है या 1D मोशन करती है, ठीक है। दूसरा, जैसे किसी माला में मोती की गति, किसी माला में मोती की गति या फिर किसी रिंग की किसी तार में गति, ये सारी के सारी क्या है, आपके लीनियर मोशन या 1D मोशन है, ठीक है। दूसरा है 2D मोशन, यानी कि टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल यानी कि द्विमीय गति में, इसे हम बोलते हैं समतल गति। इसे क्या बोलते हैं, समतल गति। और ये दो दिशाओं में गति करती है, कितनी दिशाओं में, दो दिशाओं में, वो एक्स वाई हो सकती है, वाई जेड हो सकती है या जेड एक्स हो सकती है, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलेंगे हम, समतल में गति। अब समतल में गति जो है उसमें हमारे पास आती है प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति आपने पढ़ा हुआ होगा, जैसे मैंने यहाँ से, या फिर आप ऐसे बोल दो किसी स्थान पर खड़े होते हुए आपने ऊपर की तरफ किसी वस्तु को फेंका, ऊपर की तरफ किसी एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर वस्तु को फेंका, तो इसकी जो गति होगी कुछ इस प्रकार की होगी। तो यहाँ पर इसकी जो गति हो रही है वो किसी समतल में हो रही है। तो एक तो हॉरिजॉन्टल सरफेस और एक वर्टिकल सरफेस हमारे पास आ जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यानी कि एक प्लेन में गति करेगा, ये किस में गति करेगा, प्लेन में। तो प्रक्षिप्य गति हमेशा किस में होती है, समतल में गति होती है, ठीक है। दूसरा, वाहनों की गति, जैसे वाहन गति कर रहे हैं तो आपने देखा ही है कि वाहन हमेशा 2D में ही गति करते हैं। जैसे रोड पे गति कर रहे हैं तो वो एक्स वाई दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 3D मोशन। 3D मोशन क्या कहलाती है, आकाशीय गति कहलाती है। इसमें तीन दिशाएं होती है, एक्स वाई जेड, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा, उड़ते पक्षी की गति, ठीक है। इसमें क्या एग्जांपल है, उड़ते पक्षी की गति, या किसी डिस्क को हमने आकाश में फेंका, या एरोप्लेन की गति, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके 3D मोशन है, आकाशीय गति है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन कितनी, तीन टाइप की, 1D, 2D और 3D। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोशन, ठीक है। तो नेचर ऑफ मोशन तीन टाइप की, ठीक है। तो हमारे पास पहला क्या है, स्थानांतरित गति। क्या है स्थानांतरित गति, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरा है रोटेशनल मोशन या घूर्णन गति। तीसरा है ऑसिलेटरी और वाइब्रेशन मोशन, दोलन या कंपन गति, ठीक है। तो स्थानांतरित गति किसे कहते हैं, जैसे मैंने एक स्थान से किसी वस्तु को दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया, तो इसे क्या बोलेंगे, स्थानांतरित गति, ठीक है ना। स्थानांतरित गति, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी किसी कण की गति को हम क्या बोल देंगे, स्थानांतरित गति। घूर्णन गति, किसी अक्ष के परित, किसी अक्ष के परित अगर कोई वस्तु घूम रही है, किसी अक्ष के परित अगर कोई वस्तु घूम रही है तो उसको क्या बोल देंगे हम, घूर्णन गति। जैसे मैं इसको घुमा दूँ, ऐसे घुमा दूँ या फिर ऐसे घुमा दूँ, तो ये सब क्या है, आपके घूर्णन गति, ठीक है। तीसरा, दोलन या कंपन गति। दोलन या कंपन गति माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति, माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति क्या कहलाती है, दोलन या कंपन गति कहलाती है। जैसे हमारे पास पेंडुलम हो गया, या फिर आप किसी पेड़ की टहनी को खींच कर छोड़ दो, पेड़ की टहनी को खींच कर छोड़ देते हो, तो उस टहनी की जो गति होगी वो कौन सी गति होगी, दोलन गति होगी। कंपन गति की बात करें तो जो किसी पदार्थ की जो कण है उनकी गति, या सॉलिड में जो कणों की गति होती है वो कंपन गति होती है, ठीक है। तो ये दोलन गति या कंपन गति कहलाते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ मोशन में दो प्रकार से, पहला डायमेंशन के आधार पर 1D, 2D और 3D, और नेचर ऑफ मोशन के आधार पर स्थानांतरित, घूर्णन और दोलन या कंपन गति होती है, ठीक है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। नेक्स्ट पर चलें, चलें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास दूरी एवं विस्थापन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दूरी एवं विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो इनको समझने के लिए मैं दो पॉइंट लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर ए, और एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पर बी, और मैं यहाँ से चलता हूँ
और कहाँ पर पहुँच जाता हूँ, बी पर, कहाँ पर पहुँच जाता हूँ, बी पर पहुँच जाता हूँ, ठीक है। और ये किस टाइप से चल रहा हूँ मैं, ए से बी की तरफ जा रहा हूँ इस टाइप से, ठीक है। तो ए से बी तक पहुँचने के लिए मैंने जो पाथ चूज किया है उस पाथ की लंबाई, ए से बी तक पहुँचने के लिए मैंने जो पाथ चूज किया है उस पाथ की लंबाई ही क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है, ठीक है। दूरी किसे कहेंगे हम, जो हमने ए से बी तक पाथ चूज किया है उस पथ की लंबाई को, किसको, उस पथ की लंबाई को दूरी कहेंगे, ठीक है। तो विस्थापन किसे कहेंगे, तो विस्थापन किसे कहेंगे, प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के मध्य की सीधी दूरी। ये प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु, इन दोनों के मध्य की सीधी दूरी, सीधी दूरी या न्यूनतम दूरी, सीधी दूरी या फिर न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है, ठीक है ना। क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। तो अगर मैं ऐसे एक और एग्जांपल लूं, जैसे मैं बात करूं कि मैंने ये एक पाथ चूज़ किया हूं, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, ये वाला पाथ चूज़ किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक सीधी दूरी। तो ये वाली तो हमने क्या क्या बोल दिया कि ये तो हो गई दूरी, और ये वाली क्या हो जाएगी, विस्थापन, ठीक है। तो विस्थापन और दूरी क्या होगी, दूरी होगी पथ की लंबाई, और विस्थापन क्या होगा, सीधी दूरी या फिर न्यूनतम दूरी, ठीक है। दूरी का मात्रक मीटर, विस्थापन का भी मीटर, ठीक है। इनके मात्रक क्या होते हैं, सेम होते हैं। दूरी सदैव धनात्मक होती है, इसका मान कभी भी ऋणात्मक या जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मात्रक, सॉरी, इसका मान कभी भी ऋणात्मक या फिर शून्य नहीं होगा, ठीक है। और इधर धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो संभव है, ठीक है। विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और धनात्मक तो होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट, दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है, अर्थात दूरी दिशा पर निर्भर नहीं करती है लेकिन विस्थापन दिशा पर निर्भर करती है, ठीक है। यहाँ पर पथ पर निर्भर करती है दूरी, भाई किस पर निर्भर करती है, पथ पर निर्भर करती है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो पथ चूज करेगा वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो उसी पथ की लंबाई को हम कहते हैं दूरी, और यहाँ पर प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करती है, ठीक है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करती है विस्थापन, ठीक है। चलिए अब बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट, ठीक है, दूरी का जो मान है वो हमेशा विस्थापन से बड़ा या फिर बराबर होता है। दूरी का मान विस्थापन से हमेशा बड़ा या फिर बराबर होता है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे इसमें कोई कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, जैसे एक क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, निम्न में से सही है, निम्न में से सही है, दूरी इज लेस देन इक्वल टू विस्थापन, दूरी इज लेस देन इक्वल टू विस्थापन, बी है दूरी इज ग्रेटर देन विस्थापन, दूरी इज ग्रेटर देन विस्थापन, तीसरा ऑप्शन दे दिया जाए दूरी इज लेस देन विस्थापन, और चौथा ऑप्शन दूरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, दूरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं हम, ए से बी तक, ए से बी तक कोई कण गति करता है, ए से बी तक कोई कण गति करता है और वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, तो इस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ तक जाता है सर्कल के अपोजिट पॉइंट तक, तो इसमें दूरी और विस्थापन क्या हो गए, तो दूरी क्या होगी, ए से बी तक ये सर्कुलर पाथ, तो सर्कुलर पाथ अगर मैं पूरा सर्कल लेता हूँ तो उसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 2πr, जो परिधि होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास हाफ है, ठीक है, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल में क्या होगा, उसका हाफ हो जाएगा, तो 2πr हमारे पास परिधि होगी, उसमें 2 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई आर, ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारे पास दूरी। अब आपसे पूछा जाए विस्थापन कितना है, विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन क्या होगा, ए से बी तक की जो
डायरेक्ट डिस्टेंस है, डायरेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ए से बी तक ये वाली, ठीक है, डायरेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, तो यहाँ से यहाँ तक ही आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक ही आ रहा है, रेडियस, ठीक है ना, क्या होगी रेडियस, तो ये दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, आर प्लस आर क्या हो जाएगा, टू आर, क्या हो जाएगा, टू आर, तो टू आर हमारे पास क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन आपके एग्जाम में आने के चांसेस है, ठीक है, ईजी वे में अगर ईजी क्वेश्चन आ जाए तो आपके ये हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉडिफाइड करके आपके क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, जैसे वेलोसिटी पूछ ली, एक्सेलरेशन पूछ ले, तो ये ऐसी जो चीज़ें पूछी जा सकती है, ठीक है, तो ये आगे बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपके चाल एवं वेग, क्या है, चाल एवं वेग, जैसे दूरी और विस्थापन देखी थी वैसे ही चाल और वेग देखते हैं, ठीक है। तो चाल क्या कहलाती है भाई, एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है, और चाल बराबर दूरी बटा समय, बचपन से बढ़ते हुए आ रहे हैं भाई, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फॉर्मूला हमें याद है। और वेग की बात करें तो वेग निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी, निश्चित दिशा में, इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, ठीक है, निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी, अगर ये निश्चित दिशा नहीं लिखा होता तो ये क्या कहलाती, चाल। तो इससे ये एक चीज़ समझ में आ रही है कि इसमें दिशा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर वेग क्या कहलाएगा, विस्थापन में परिवर्तन बटे समय अंतराल, विस्थापन में परिवर्तन बटे समय अंतराल, ये क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होगा, तो वेग का मात्रक भी मीटर पर सेकेंड होगा। चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि होती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम चाल के प्रकार की, ठीक है, चाल के प्रकार की बात करते हैं। अब चाल कितने प्रकार की होती है, तो अलग अलग टाइप की होती है, तो मैंने यहाँ पर कुछ स्पेशल चाल को लिया है या वेग को लिया है, दोनों के टाइप्स सेम ही होते हैं, ठीक है। अब आपसे बोला जाए एक समान चाल क्या होती है, एक समान चाल, तो एक समान चाल क्या कहलाती है, समान समय में अगर समान दूरी तय करता है कोई भी कण, समान समय में समान दूरी तय करता है तो क्या कहलाती है, आपके एक समान चाल कहलाती है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात मान लूँ कि हमारे पास पाँच सेकंड में वो तय करता है, जैसे मान लो 500 मीटर, कितना 1 मिनट में 500 मीटर तय कर लेता है, ठीक है, 1 मिनट में 500 मीटर, तो अगले 1 मिनट में भी 500 मीटर, फिर अगले 1 मिनट में भी 500 मीटर, तो ये क्या कहलाएगी, एक समान चाल कहलाएगी, ठीक है। तो समान समय में समान दूरी तय करता हो, ठीक है ना, समान समय में समान दूरी तय करता हो तो ये क्या कहलाती है, आपके एक समान चाल कहलाती है, ठीक है। अब अगर बात करूँ मैं एक समान वेग की, तो एक समान वेग में क्या होगा, समान समय अंतराल में समान विस्थापन परिवर्तन, ठीक है ना, समान समय अंतराल में, समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान विस्थापन विस्थापन परिवर्तन, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर हमारे पास ये है, यहाँ से यहाँ तक का कोई टाइम ले लिया, समय अंतराल ले लिया, तो इसमें हमारे पास ये 1 मीटर चलता है, तो इसी टाइम में यहाँ पर भी 1 मीटर, इसमें भी 1 मीटर, यहाँ पर भी 1 मीटर ही चलना चाहिए, ठीक है। और विस्थापन की बात कर रहे हैं, दूरी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड है हमारे पास परिवर्ती चाल, परिवर्ती चाल मतलब समान समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करता हो, समान समय में भिन्न भिन्न दूरी, भिन्न भिन्न दूरी तय करता हो, ठीक है। और यहाँ पर समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न विस्थापन, ठीक है, तो क्या कहलाता है, ये परिवर्ती या असमान
वेग। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या हो गया, समान समय में भिन्न भिन्न दूरी तो परिवर्ती चाल, और समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न विस्थापन तो परिवर्ती या असमान वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। ठीक है, आगे बात करें औसत चाल, इम्पोर्टेंट है भाई, औसत चाल क्या कहलाती है। तो औसत चाल किसे कहते हैं? औसत चाल, अब आप लोगों ने औसत के बारे में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास कोई वैल्यूज दी हुई होगी और उसके रेस्पेक्ट में कोई राशि दी हुई होगी। ठीक है, तो जितनी भी आपके वैल्यूज़ होगी उनका सम कर लेते हैं, और जो राशि दी हुई होगी उनका सम कर लेते हैं, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। तो हमें क्या दिया होगा? टाइम दिया होगा कि T1 टाइम में, जैसे मैं बात करूँ T1 टाइम में, T2 टाइम में, T3 टाइम में, T4 टाइम में, हमारे पास कोई डिस्टेंस हमें दे दी जाएगी, S1, S2, S3, S4 ऐसे कोई डिस्टेंस दे दी जाएगी। तो हमारे पास औसत चाल क्या होगी? औसत चाल एस एवरेज क्या होगा? तो हम क्या बोल देंगे? दूरी, कुल दूरी, कुल दूरी और बटे कुल समय, कुल समय, ये क्या कहलाएगी? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कहलाएगी। ठीक है, तो ये एवरेज स्पीड क्या होगी? कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, हमारे पास क्या होगी? एवरेज। डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं औसत वेग की बात करूं तो औसत वेग हमारे पास यही होगा, लेकिन औसत वेग में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। हम प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की बात करते हैं, तो औसत वेग में क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम लिख देते हैं कुल विस्थापन बटे वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटे कुल समय, क्या होगा? कुल विस्थापन बटे कुल समय। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेल्टा एस वाई डेल्टा टी, जहाँ पर ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल की बात करते हैं। अगर हम, जैसे अगर मैं बात करूं कि हमारे यहाँ से यहाँ तक कोई वस्तु चलती है ए से बी तक, तो यहाँ पर वेलोसिटी, मतलब यहाँ पर डिस्टेंस अलग, टाइम पर अलग, टाइम पर यहाँ पर डिस्टेंस अलग, अलग टाइम पर इस यहाँ पर डिस्टेंस अलग, तो यहाँ से यहाँ तक चलने पर उसने वेलोसिटी अलग अलग चेंज की है। ठीक है ना, यानी कि उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी, हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस पर, इस डिस्टेंस पर, इस डिस्टेंस पर और टोटल इस डिस्टेंस पर जो भी हमारे पास कुल दूरी आएगी बटे कुल समय कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड आ जाएगी। लेकिन अगर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इसकी चाल बताइए, तो ये क्या कहलाएगी? तात्क्षणिक चाल, मतलब इसी पॉइंट पर आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एवरेज निकाल सकते हैं अपन, तो वो क्या हो जाएगी? एवरेज, एवरेज क्या हो जाएगा? डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। लेकिन मेरे को इसी क्षण पर निकालना है, इसी क्षण पर निकालना है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर लिमिट लगा दोगे, जहाँ पर डेल्टा टी की जो वैल्यू होगी टेंड्स टू ज़ीरो होगी। दैट मीन्स हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया। कौन सा पॉइंट आ गया? ये वाला पॉइंट आ गया। इसी को हम क्या बोलते हैं कि डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, इसको बोलते हैं हम डेल्टा एस बाई डी एस बाई डी टी। तो ये हो जाएगा कन्वर्ट हमारे पास एवरेज तात्क्षणिक में, तात्क्षणिक मतलब इंस्टेंट, इंस्टेंट, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डी एस बाई डी टी। किसी क्षण पर अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ पार्टिकल, तो क्या होगी? डी एस बाई डी टी। ठीक है, इसी टाइप से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की भी बात कर सकते हैं। यहाँ पर इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होगी वो होगी डी वी बाई डी टी, क्या होगी? सॉरी, डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? वी इंस्टेंटेनियस डी एस बाई डी टी हो जाएगी। ठीक है,
तो अगर वेग निकालना है तो आपको डीएस बाई डीटी डायरेक्शन के साथ लेनी है, और यहाँ पर केवल हमें डिस्टेंस के साथ लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, विस्थापन, और ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास दूरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, भाई क्वेश्चन लिए गए ताकि क्या है, इससे टॉपिक जो है वो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी अपनी यात्रा 4 घंटे में पूरी करती है। एक रेलगाड़ी जो है अपनी यात्रा 4 घंटे में पूरी करती है, जिसमें रेलगाड़ी पहले 2 घंटे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष 2 घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी है, वैसे तो बहुत इजी है। एक बार पॉज करके आप लोग ट्राई करो, अगर आपको आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद अब इधर देख लो। ठीक है, तो एक बार ट्राई कर लो पहले। चलिए अब हम करते हैं सॉल्यूशन। एक रेलगाड़ी अपनी यात्रा 4 घंटे में पूरी करती है, टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम कितना है 4 घंटे, जिसमें रेलगाड़ी पहले दो घंटे में कितना 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और अगले 2 घंटे कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो आपको पता है कि 2 घंटे तक कितनी स्पीड से चला, 80 की स्पीड से, और 2 घंटे कितनी स्पीड से चला, 40 की स्पीड से। टोटल टाइम कितना लगा, 2 + 2 कितना हुआ, 160, 80/4 कितना हो गया, 240/4 60 किलोमीटर पर हार हो जाएगा। तो हमें करना कुछ नहीं है, बस वही करना है हमने जो किया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वेलोसिटी थी, ठीक है, स्पीड ही मान लो आप, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गई, डिस्टेंस। क्या आ गई, डिस्टेंस। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो डिस्टेंस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कुल दूरी आ गई, कुल समय कितना आ गया, 2 + 2 फोर, 4 आवर लग रहे हैं। ठीक है, तो कुल दूरी बटे कुल समय हमने किया, आंसर आ गया। कुछ नहीं करना आपको, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको टिप पर सॉल्व हो जाने चाहिए बस। तो ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास टाइम कम रहेगा, ठीक है ना, और आरपीएससी सेकेंड ग्रेड तो भाई आपको टाइम बिल्कुल देती भी नहीं है, इसलिए आपको स्पीड अपनी बढ़िया रखनी है, और स्पीड बढ़िया रखोगे तो आपके बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे, अदरवाइज़ क्वेश्चन छूटने के चांसेस बने रहते हैं। ठीक है, एक बस 2 स्थानों के बीच आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, बस की औसत चाल की गणना करो। ठीक है, तो एक बस है 2 स्थानों के बीच दूरी कर रही है, मतलब गति कर रही है, ठीक है, एक बी ए से बी तक। ठीक है, तो पहली आधी दूरी, तो ये S/2, ठीक है, पहली आधी दूरी कितनी स्पीड से, तो ये 40 से, ठीक है, और अगली S/2 कितनी, शेष 60 किलोमीटर पर हार। तो अगर मैं यहाँ से टाइम निकालूँ तो टाइम निकाल सकते हैं अपन, टोटल टाइम कितना आ जाएगा, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, S/40 × 2, और इधर टाइम कितना हो जाएगा, टाइम T2 इज इक्वल्स टू S/60 × 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये हमारे पास एक क्या आ गया, T1 और T2 आ गया। अब डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, टोटल टोटल डिस्टेंस है हमारे पास S, कितनी है S, और टाइम कितना हो गया, T1 + T2। तो S डिस्टेंस अपॉन T1 + T2, S तो कॉमन ले लो, 1/80, 1/120, ठीक है, S S कैंसिल आउट, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, 120 × 80/120 80 कितना हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 200, और नीचे क्या हो जाएगा, 200, तो यहाँ पे आ गया 1, कितना आ गया 1। ठीक है, चलिए, अच्छा यहाँ पर क्या थोड़ा सा मिस्टेक हो गई,
120 मल्टीप्लाई बाई 80 प्लस है, प्लस कर दिया मैंने यहाँ पे, मल्टीप्लाई होगा ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9600, कितना हो जाएगा 9600, 20 से 20 कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर पर हार, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 48 किलोमीटर पर हार, ठीक है। तो जल्दबाजी में ऐसी मिस्टेक्स बहुत होती है ठीक है, और फिजिक्स में तो डेफिनेटली होती है ठीक है। बस फ़ायदा ये हो जाता है कि आपके सामने ऑप्शन रहेंगे, अगर आपके ऑप्शन मैच कर जाते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शन भी मैच कर जाते हैं, हमारे पास जो गलत आंसर आ रहा है ना उसमें ऑप्शन भी मैच कर जाते हैं, तो वहाँ ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ठीक है। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेम क्वेश्चन। अच्छा इसको थोड़ा सा हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये हमने वाला टाइम निकाला, ये वाला टाइम निकाला, और टाइम निकाल के इसको एक फॉर्मूला बना सकते हैं। और जब भी आपको ऐसी चीज़ दी हुई हो तो आपके सामने एक फॉर्मूला होता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन होगा, ये भी सेम क्वेश्चन है ठीक है। इसमें क्या कहा गया, एक कार एक शहर ए से बी तक 40 किलोमीटर पर हार की स्पीड से तथा शहर बी से ए तक 30 किलोमीटर पर हार की स्पीड से लौट जाती है ठीक है ना। ए से बी तक गई ठीक है, तो यहाँ पर 40 और बी से ए तक 30 ठीक है ना, ए से बी तक 40 और बी से ए तक 30। अब वापस लौटती है, कार की संपूर्ण यात्रा के लिए औसत ए औसत चाल एवं औसत वेग ज्ञात करना है ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए औसत वेग कितना होगा और औसत चाल कितनी होगी, तो चाल निकालने के लिए आपको डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से दूर यहाँ तक दूरी मान लो एस, दूरी कितनी है एस, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए टाइम कितना लगा, तो एस बाई इसको मैं टी वन बोल देता हूँ और इसको मैं सॉरी वेलोसिटी वी वन 40 किलोमीटर पर हार एंड वेलोसिटी वी टू 30 किलोमीटर पर हार। तो यहाँ पर अगर मैं ए से बी तक ए टू बी टाइम निकालना चाहूँ तो टाइम क्या होगा, एस बाई वी वन ठीक है, और बी टू ए निकालूँ बी टू ए टाइम तो वो क्या होगा एस बाई वी टू, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एस और बी से ए तक की भी दूरी क्या रहेगी एस रहेगी। तो यहाँ पर ए से बी तक के लिए मैंने टाइम कितना निकाला टी वन एस बाई वी वन और टी टू क्या निकलेगा एस बाई वी टू ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा एस बाई वी वन प्लस एस बाई वी टू ठीक है। इसको थोड़ा सा सोल्व करें तो वी वन वी टू ऊपर चला जाएगा वी वन प्लस वी टू ठीक है, ये एस ये हो जाएगा टोटल टाइम। और आपको निकालनी है औसत चाल, तो औसत चाल का फॉर्मूला पता होगा एवरेज स्पीड क्या होती है भाई, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, ए से बी तक एस है, बी से ए तक एस है, तो एस प्लस एस कितना हो जाएगा एस प्लस एस 2s हो जाएगा, और इधर टोटल टाइम कितना है एस अपॉन वी वन प्लस वी टू अपॉन वी वन वी टू ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 2s अपॉन एस, ये वी वन प्लस वी टू नीचे रह जाएगा और वी वन वी टू ऊपर चला जाएगा ठीक है। तो एस से एस कैंसिल आउट, तो यहां पर एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी 2v1v2 upon v1 plus v2। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप यूज करना चाहो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जब हमारे पास क्या दिया हुआ है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु और अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु दोनों की वेलोसिटीज या फिर स्पीड दी हुई हो ठीक है ना, स्पीड दी हुई हो, इसमें एक बस दो स्थानों के बीच आधी दूरी 40 किलोमीटर पर हार और शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर पर हार, तो इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में दोनों में सेम फॉर्मूला लग जाएगा यही वाला ठीक है। तो या तो आपको ऐसे दिया हुआ है कि किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर और फिर उसी स्थान से पुनः उस स्थान पर ठीक है ना, प्रारंभिक बिंदु पर अगर जाता है तो भी ये लगा सकते हैं,
और अगर आधी आधी दूरी यानी कि सेम डिस्टेंस अलग अलग वेलोसिटी से अलग अलग स्पीड से चल रहा है तो वहां पर ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास टू वी वन की वैल्यू कितनी है 40, ठीक है, वी टू की वैल्यू कितनी है 30, नेक्स्ट 40 + 30 तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2400 / 70। ठीक है, जीरो से जीरो का कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 3 3, यहां बचेगा 30, 28 4 20, लगभग 3 3 4.3 किलोमीटर पर सॉरी स्पीड है ना, किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब आपको अगर ये मीटर पर सेकंड में दिया हो तो आप कन्वर्ट कर देना, ठीक है ना, तो वो बात अलग है, फिर आप निकाल सकते हो, जो जैसा आंसर दिया होगा वैसा निकाल लेना आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में ये वाला ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है डायरेक्ट, लेकिन वो पीएमटी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, बहुत पुराने पेपर में, 2007 का पेपर था, उसमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछा गया था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चले तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा त्वरण, त्वरण एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन किसे कहते हैं? आपने बाइक वगैरह चलाई हो या कार वगैरह चलाई हो तो आपने स्पीड बढ़ाने के लिए या स्पीड कम करने के लिए एक्सलरेटर का यूज किया है। किसका यूज किया? एक्सलरेटर का, यानी कि एक्सलरेटर बढ़ाना तो वेलोसिटी बढ़, मतलब कि स्पीड बढ़ जाएगी, और एक्सलरेटर कम किया तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब कि स्पीड में जो चेंज आता है, स्पीड में जो चेंज आता है उसी स्पीड के चेंज को हम क्या कह देते हैं? त्वरण कह देते हैं। यानी कि आप वहां पर तो आप किसी एक फिक्स डायरेक्शन में करते हो तो वो स्पीड क्या कहलाएगी? वेलोसिटी। क्या कहलाएगी? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में जो चेंज आता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम वही क्या कहलाता है? एक्सलरेशन या त्वरण कहलाता है। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, द चेंज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सलरेशन। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा त्वरण का? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो यहां पर एक्सलरेशन क्या हो जाएगा? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। ठीक है, तो ये क्या है? एक्सलरेशन, त्वरण। ठीक है, मात्रक क्या होगा इसका? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका क्या होता है? वी का मीटर पर सेकंड, नीचे साइन टाइम है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। विमा क्या हो जाएगी? एल वन टी माइनस टू। राशि कैसी है ये? तो ये एक सदिश राशि है। ठीक है ना, अर्थात इसकी डायरेक्शन होगी, एक फिक्स डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन क्या होगी? तो जो वेग में परिवर्तन की दिशा है वही इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। जिस डायरेक्शन में आपके वेग में परिवर्तन हो रहा है उसी को हम क्या बोल देते हैं? त्वरण की दिशा बोल देते हैं। ठीक है, चलिए, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं हम? मंदन। रिटार्डेशन बोल दो या डी एक्सलरेशन बोल दो, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? मंदन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, त्वरण के प्रकार। जो हमने वेलोसिटी स्पीड इनके प्रकार पढ़े थे वही प्रकार किसके हैं? त्वरण के भी। ठीक है, जैसे एक समान त्वरण क्या है? एक समान त्वरण। अब एक समान त्वरण क्या होगा? तो समान समय में, समान समय में, समय में समान समान वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन। ठीक है, समान समय में, समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन होता है तो उसे क्या बोलेंगे हम? एक समान त्वरण कह देंगे। क्या कह देंगे? एक समान त्वरण कह देते हैं। और अगर समान समय में, समान समय में
भिन्न भिन्न या भिन्न वेग परिवर्तन, भिन्न भिन्न वेग परिवर्तन हो, वेग परिवर्तन हो तो इसे क्या बोलेंगे, परिवर्ती त्वरण कह देते हैं या असमान त्वरण कह देते हैं। ठीक है, तो ये तो वही हो गई बात जो हमने पहले पढ़ा हुआ था, चाल हो गया, वेग हो गया, जो उनमें था वैसा का वैसा ही हमारे पास यस ये होता है। ठीक है, बात करते हैं औसत त्वरण की। औसत त्वरण क्या होता है, तो औसत त्वरण क्या होगा, औसत त्वरण इसको मैं एक डिवाइड कर देता हूं भाई, औसत त्वरण क्या होगा है? तो औसत त्वरण होता है कुल वेग परिवर्तन अपॉन कुल समय। ठीक है, ये हो जाएगा एक्सलरेशन, और वो भी कौन सा वाला, एवरेज। ठीक है ना, कुल वेग परिवर्तन अपॉन टोटल टाइम। तो यहां पर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी हो जाएगा v2 - v1 अपॉन t2 - t1। ठीक है, ये एवरेज एक्सलरेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं तात्क्षणिक की बात करूं तो ये वाली चीज तो समझ में आ ही गया कि औसत क्या होता है और तात्क्षणिक क्या होता है। किसी दो पॉइंट के बीच में अगर निकालना हो तो वो औसत कहलाता है, और उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में किसी पॉइंट पर निकालना हो यानी कि किसी क्षण निकालना हो तो वो क्या कहलाता है, तात्क्षणिक। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल दूंगा मैं कि यहां पर डेल्टा टी को क्या लेना है, अपन को टेंड्स टू जीरो लेना है। तो यहां पर एवरेज स्पीड को ही हम काय में कन्वर्ट कर सकते हैं, तात्क्षणिक में। ठीक है, तो तात्क्षणिक क्या होगा, तो यहां पर एक्सलरेशन इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो ये क्या हो जाता है आपका, डी वी बाई डी टी, क्या होता है, डी वी बाई डी टी। ठीक है, अच्छा आपने ये भी पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू dx बाई डी टी, ये पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, या ds बाई डी टी जो भी बोलो। ठीक है, क्या होता है, dx बाई डी टी। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस d बाई डी टी dx बाई डी टी। तो इसको क्या बोल देंगे, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोल दो या फिर डिस्टेंस बोल दो, इज नॉन एज इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एक्सलरेशन, कौन सा वाला, इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है आपको, ये फॉर्मूला भी याद रखना है, और एवरेज का ये वाला याद रखना है। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं, साथ के साथ क्वेश्चन करते हैं ना तो ज्यादा हमें समझ में आते हैं। तो क्वेश्चन सीरीज भी लेके आएंगे इसकी, तो बने रहें इसके साथ। तो आपको वीडियोस के साथ साथ, थ्योरीज के साथ साथ क्वेश्चन भी मिलेंगे। अभी तक आपके दो MCQ सीरीज डाल चुका हूँ जिसमें दो चैप्टर हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखी हो तो एक बार उनको भी देखें, लेकिन उससे पहले उनकी थ्योरी देख लोगे तो ज़्यादा बेस्ट रह जाएगा। ठीक है ना, ताकि क्वेश्चन तो आएंगे समझ में। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आता है भाई, हमेशा एक ना एक क्वेश्चन तो ग्राफ से रिलेटेड आता ही आता है। ठीक है, अब वो इस वाले का ग्राफ हो या किसी भी टाइप का कोई ग्राफ हो, ठीक है, क्वेश्चन पे डिपेंडेंट कोई ग्राफ दे दिया जाए तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि किसी का ग्राफ कैसे बनता है, और ग्राफ बनता है तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं, कहाँ पे कब कैसे ग्राफ बनते हैं, तो ये ग्राफ हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सबसे पहला जो है हमारे पास वो क्या है, स्थिति समय ग्राफ। क्या है, स्थिति समय ग्राफ। ठीक है, अब स्थिति समय ग्राफ तो हम क्या कहेंगे, जैसे स्थिति समय ग्राफ बोल रहे हैं तो एक साइड पर हम ले लेंगे स्थिति को और दूसरी साइड पर ले लेंगे हम समय को। ठीक है, तो इधर की तरफ तो स्थिति हो गई, इधर समय हो गया, तो समय के साथ साथ स्थिति में क्या परिवर्तन हो रहा है वो हमें देखना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं
कि स्थिति समय ग्राफ का जो ढाल होता है, स्थिति समय ग्राफ का जो ढाल होता है, ढाल क्या होती है, y अपॉन x बोल दो, ठीक है ना, ये y है और ये x है, तो y अपॉन x क्या कहलाती है आपके, ढाल कहलाती है। तो ढाल क्या होगी, tan थीटा, tan थीटा क्या होगा, dx by dt, क्या होगा, dx by dt, क्योंकि dx हमारे पास स्थिति हो गई और ये टाइम, ठीक है, तो dx by dt क्या कहलाती है आपके, वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है ना, क्या कहलाती है, वेलोसिटी। तो हम क्या कहेंगे, स्थिति समय ग्राफ का जो ढाल है वो वेग कहलाता है, स्थिति समय ग्राफ का जो ढाल है उसे क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो स्थिति समय ग्राफ का जो ढाल है वो वेग कहलाता है। अब इसकी कुछ अलग अलग स्थितियां हैं, जैसे कण स्थिर है, अगर कोई कण स्थिर है, जैसे मैं यहां पर बात करूं कि ये कण यहां पर रखा हुआ है, यह पेंसिल रखी हुई है, अब ये पेंसिल स्थिर है, ठीक है, समय की बढ़ता जाएगा, समय बढ़ता जाएगा, लेकिन इसकी स्थिति परिवर्तित नहीं होगी। तो हम क्या कह रहे हैं, समय इंक्रीज हो रहा है लेकिन इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो यदि कण स्थिर हो तो हमारे पास ग्राफ कैसा बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जो कि पैरेलल होगी किसके, टाइम एक्सिस के, टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। यदि एक समान वेग से कोई कण गति कर रहा है, यदि एक समान वेग से कण गति कर रहा है, जैसे अगर मैं बात करूं कि दो, मतलब एक सेकंड में 2 मीटर दूरी तय करता है, ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल दो कि 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गति कर रहा है या वेलोसिटी से गति कर रहा है, तो एक सेकंड में 2 मीटर, फिर अगले दो से, एक सेकंड में 2 मीटर, फिर अगले एक सेकंड में 2 मीटर, ठीक है। तो यहां पर समय के साथ साथ दूरी में भी परिवर्तन हो रहा है, स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है, तो वो कैसा हो रहा है, एक समान वेग में परिवर्तन, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक तो ग्राफ ऐसा आएगा और एक ग्राफ ऐसा आएगा, इसमें आपके वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है, सॉरी यहां पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीमेंट हो रहा है, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट या स्थिति में कमी हो रही है, ठीक है ना, डिक्रीमेंट बोल दो या फिर कमी हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर इसका ढाल निकालूं, तो ढाल में क्या होगा, ये वाली वैल्यू हमारे पास टेन थीटा, टेन थीटा जो होगा वो 90 से लेस देन आएगा, ठीक है ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन जीरो। लेकिन अगर मैं यहां पर टेन थीटा निकालूं और टेन थीटा देखूं तो 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा है, कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो टेन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, और टेन थीटा नेगेटिव मतलब कि इसकी वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है ना, लेस देन जीरो होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसकी छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके समय के साथ स्थिति में धनात्मक रूप से परिवर्तन होता है तो वेलोसिटी होगी पॉजिटिव, और कमी होती है तो नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं असमान वेग की, पहला वाला आप समझ लो, बाकी के सेम टू सेम आने वाले हैं, और उनकी भी बीच बीच में अगर थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो वो बताते रहेंगे, ठीक है, लेकिन पहले वाले से रिलेटेड है सारे ग्राफ, ठीक है। पहले वाले ग्राफ में अगर समझ जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझते हो तो अगले वाले ग्राफ में भी आपको ये की यही चीजें बता दूंगा तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, असमान वेग की गति, जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पर ये टाइम है, ठीक है, टाइम पर ये डिस्टेंस अलग है, यहां पर डिस्टेंस अलग है, यहां पर डिस्टेंस अलग है, यहां पर डिस्टेंस अलग है, तो यहां पर असमान रूप से हम गति कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर स्थिति हो गया ये इधर की तरफ, तो फिक्स टाइम में फिक्स डिस्टेंस हमारे पास नहीं आ रही है, ठीक है, फिक्स टाइम में फिक्स डिस्टेंस नहीं आ रही है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, असमान वेग बोल देंगे, क्या बोल देंगे, असमान वेग, ठीक है। अब असमान वेग में ये इंक्रीमेंट भी हो सकता है कुछ इस प्रकार से, ये इस प्रकार से भी हो सकता है, ये ग्राफ के ऊपर डिपेंड करता है। आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, आप अपने आप पता कर लोगे कि क्या हो रहा है, वहां पर एक समान वेग है या असमान वेग है, कैसे भी आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास ये असमान वेग का है, ये भी असमान वेग का है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास ये जो दो ग्राफ दे रखे हैं, इनमें मैंने दो पॉइंट लिए हुए हैं, पी और क्यू।
अब जैसे मैंने पी पॉइंट लिया, तो पी पॉइंट पर अगर मैं ढाल निकालू तो वो क्या आ रही है, टेन थीटा वन। ये यहां पर जो एंगल आ रहा है वो कितना, थीटा वन। तो टेन थीटा वन इस पी वन पी पॉइंट पर रहेगा, और यहां पर थीटा टू अगर एंगल बन रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, टेन थीटा टू इसकी ढाल हो जाएगी। दोनों में क्या चेंज आएगा, तो पी से क्यू जाने पर, पी से क्यू जाने पर, अच्छा थीटा वन की वैल्यू क्या है, कम, और थीटा टू की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। थीटा वन की वैल्यू कम है और थीटा टू की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो यहां पर क्या कहेंगे, थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन, और अगर मैं टेन थीटा टू निकालू तो टेन थीटा टू विल बी ग्रेटर देन टेन थीटा वन, लेस देन है 90 से, 90 से कम है, तो 90 से कम है तो ये तो पॉजिटिव ही आने वाली है। तो मैं थीटा टू क्या बोल दूंगा, वी क्यू ग्रेटर देन होगा वीपी से, वी क्यू का मान क्या होगा, वीपी से ग्रेटर देन होगा। दैट मीन्स पी से क्यू जाने पर, पी से क्यू जाने पर वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अगर मैं इधर बात करूं तो यहां पर थीटा वन ज्यादा है और थीटा टू कम है, ठीक है, तो थीटा वन ज्यादा है और थीटा टू कम है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो पी से क्यू जाने पर वेलोसिटी में क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है। और वेलोसिटी में कमी मतलब ऋणात्मक त्वरण, क्या कहा हो जाएगा, ऋणात्मक त्वरण हो जाएगा, और ऋणात्मक त्वरण का मतलब क्या है, मंदन, क्या होता है, मंदन, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है, पी से क्यू जाने पर यहां पर थीटा में वृद्धि हो रही है, तो यहां पर हमारे पास वेलोसिटी में भी वृद्धि होगी। थीटा वन से थीटा टू यानी कि पी से क्यू जाने पर एंगल में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो वेलोसिटी में भी कमी हो रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मंदन, ठीक है। तो ये असमान वेग की गति है, ठीक है। तो ये होते हैं स्थिति समय ग्राफ, ठीक है, इसमें सारी कंडीशंस ले ली हमने, ठीक है, कण स्थिर है, समान वेग से गति कर रहा है, असमान वेग से गति कर रहा है, तो सारी स्थितियां हमने ले ली है। नेक्स्ट पे चलते हैं, वेग समय ग्राफ, ठीक है। तो वेग समय ग्राफ क्या जानकारी देता है, तो सबसे पहली बात, तो वेग समय ग्राफ का जो ढाल है, वेग समय ग्राफ का जो ढाल है वो क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, जो कि क्या बताएगा, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण को। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेग समय ग्राफ का ढाल बताता है, ठीक है, तो वो क्या बताएगा, त्वरण को, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट है भैया, ग्राफ तथा समय अक्ष के, समय अक्ष के मध्य का जो क्षेत्र है वो विस्थापन कहलाता है। ग्राफ तथा समय अक्ष के मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। जैसे नियत वेग की गति, जैसे नियत वेग की गति कर रही है, ठीक है, तो नियत वेग से गति कर रही है, तो अब आपको पता होगा नियत वेग से गति करती है तो त्वरण क्या होता है, शून्य होता है, त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। तो यहां पर हमने क्या कह दिया, नो वेलोसिटी चेंज, मतलब त्वरण शून्य होगा। अब जैसे मैंने ये ग्राफ लिया है, टाइम चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। और अब आपसे पूछ लिया जाए, T1 से T2 के मध्य विस्थापन बताइए, T1 से T2 के मध्य विस्थापन, ठीक है। तो विस्थापन निकालने के लिए आप क्या करोगे, विस्थापन निकालना है तो आप क्या करोगे, विस्थापन बराबर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी v है इसकी, और ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो है हमारे पास, ये क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, v, और यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी, T2 - T1, क्या हो जाएगी, T2 - T1, ठीक है। तो मैंने क्षेत्रफल निकाल लिया, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई से मैंने क्षेत्रफल निकाल लिया, तो ये क्या हो जाएगा, वी T2 - T1, इसका विस्थापन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। तो विस्थापन निकालना है तो हम क्या करेंगे, केवल जो वेलोसिटी का ग्राफ दे रखा है और समय अक्ष दे रखा है, उन दोनों के बीच का जो क्षेत्रफल है वही क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है, ठीक है। तो आपको निकालना आना चाहिए, जैसे अगर मैं बात करूं, हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है, ये वाला ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ये ग्राफ दिया हुआ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है,
ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये वाला जो पूरा एरिया है ये इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अगर आपसे बोल दिया जाए, दो टाइम दे दिया जाए, टी वन और ये टी टू, इन दोनों के बीच का निकालो, तो हमारे पास जो विस्थापन होगा वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला विस्थापन हो जाएगा। तो यहां पर आपके विस्थापन क्या होगा, वेलोसिटी का जो ग्राफ है और समय अक्ष है, उन दोनों के बीच का जो एरिया है वो ये क्या कहलाता है, आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहां पर हमारे पास नियत वेग की गति, अब बात करते हैं एक समान त्वरित गति। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक समान वेग की गति थी, वैसे ही एक समान त्वरित गति हो जाएगी। ठीक है, तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में चेंज हो रहा है और वो भी एक समान रूप से। तो एक तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री यानी कि इंक्रीमेंट, और यहां पर ग्रेटर देन है तो डिक्रीमेंट। देखो टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है ना, तो जब बढ़ रही हो तो थीटा का मान लेस देन होगा 90 से, और जब घट रही है तो थीटा का मान 90 से ग्रेटर देन होगा, और जब लेस देन होगा तो टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव, और ग्रेटर देन होगा तो नेगेटिव। ठीक है, और अगर टेन थीटा पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव, और जो हमारे पास यहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे हम, त्वरण, और इसको क्या बोल देंगे, मंदन। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, त्वरण, और इसको क्या बोल देंगे, मंदन, क्योंकि यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, लेस देन जीरो है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली। नेक्स्ट, असमान त्वरण की गति। असमान त्वरण की गति, तो हमारे पास वही टाइम टी में, आप देखोगे यहां पर इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीमेंट हो रही है टाइम के साथ साथ। ठीक है, और इसमें भी इंक्रीमेंट हो रहा है, इसमें भी इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन दोनों का तरीका अलग है। ठीक है ना, दोनों का तरीका अलग है, अलग तरीके से चेंज हो रहा है। तो यहां पर एक तो इस हमारे पास ये ग्राफ हो सकता है और एक ये ग्राफ हो सकता है, अर्थात यहां पर थीटा वन और थीटा टू, थीटा वन से थीटा टू तक जाते हैं, तो यहां पर थीटा की वैल्यू में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट, यहां पर थीटा की वैल्यू में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट। अतः हम ये कह सकते हैं कि यहां पर थीटा वन से, यानी कि इसको पी और इसको क्यू दे दूं, तो पी से क्यू जाने पर एंगल में इंक्रीमेंट हो रहा है, एंगल में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो एक्सेलरेशन में भी क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, और अगर मैं यहां पर बात करूं तो एंगल में डिक्रीमेंट हो रहा है, तो यहां पर एक्सेलरेशन में क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। ठीक है ना, अगर आपके एंगल इंक्रीज हो रहा है, एंगल इंक्रीज हो रहा है, तो आपके एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, और अगर आपके एंगल डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा। बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, और निकालने का तरीका बहुत आसान है। थीटा निकालने का तरीका क्या है, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ढाल निकालना है तो उस पॉइंट पर आप क्या कर दो, एक स्पर्श रेखा खींच दो। ठीक है, और वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है वो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो ये ढाल निकालने का तरीका है। ठीक है, ये केवल कर्व में है, और ढाल निकालनी है तो डायरेक्ट आप निकाल लोगे बस। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास टी, और ये वाला हो जाएगा वी, तो आप डायरेक्ट निकालो डीवी अपॉन डीएक्स। ठीक है, तो इसमें तो आप ऐसे करोगे, और अगर आपके पास कर्व दे रखा है तो स्पर्श रेखा निकाल लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है त्वरण समय आरेख। नेक्स्ट क्या है, त्वरण समय आरेख। अब त्वरण आरेख, त्वरण आरेख और समय अक्ष के मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। ठीक है, त्वरण आरेख और समय अक्ष के मध्य का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। जैसे हमारे पास ऊपर आया ना डिस्प्लेसमेंट, वैसे इसमें क्या होगा, वो वेग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ये वाला जो एरिया है ये क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी तीन ग्राफ है, नियत त्वरण हो या फिर असमान त्वरण हो। नियत त्वरण पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक समान त्वरण रहेगा, और असमान पे ये दोनों ग्राफ हो सकते हैं। ठीक है, इनमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये कुछ जानकारी नहीं देता है। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा वाला है,
वेग समय आरेख है, ठीक है, और जब जरूरत पड़ेगी तब हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में आ जाता है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हमने एक समान त्वरण लिया, तो एक समान त्वरण के लिए कुछ समीकरण दी गई, एक समान त्वरण के लिए कुछ समीकरण दी गई, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गति की समीकरण या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन आपको डायरेक्ट याद रखनी है, इसका सॉल्यूशन हम निकालने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है ना, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको डायरेक्ट ये इक्वेशन से याद रखनी है। तो सबसे पहली जो इक्वेशन है वो है हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहां पर u क्या है आपका प्रारंभिक वेग, v क्या है अंतिम वेग, a एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है आपका एक समान, ठीक है ना, एक समान या नियत त्वरण है, क्या है नियत त्वरण, और ये क्या है t टाइम। द्वितीय समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहां पर s क्या है दूरी है, ठीक है, s क्या है दूरी है, u आपके प्रारंभिक वेग है सही, t टाइम है सही, a एक्सेलरेशन और t टाइम है। तृतीय समीकरण क्या होगी, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as हमारे पास तृतीय समीकरण हो जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों समीकरण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, ठीक है ना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो नेक्स्ट, अगर आपके एक्सेलरेशन यदि अगर कोई वस्तु गुरुत्वीय त्वरण के अधीन या गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति कर रही है, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति कर रही है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास इक्वेशंस क्या हो जाएगी, जो हमारे पास ऊपर इक्वेशंस थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस, ठीक है, v बराबर यू प्लस जी टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस हो जाएगा, जहां पर जी की वैल्यू क्या होगी, या तो आपके 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक और चीज ध्यान रखना, अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो जी क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव, क्या रहेगा, पॉजिटिव। अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो जी जो रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव, क्या रहेगा, नेगेटिव। बस इतना सा और ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद nवें सेकंड में तय की गई दूरी, nवें सेकंड में तय की गई दूरी, जैसे अगर मैं बात करूं, मैं यहां से यहां तक जाना चाहता हूं, ठीक है, a से b तक जाना चाहता हूं, और मैंने ये 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 सेकंड के अंदर ये दूरी कवर की है, और ये जो दूरी कवर की है वो है हमारे पास 5 मीटर की, ठीक है, या फिर 10 मीटर की, मान लो 10 मीटर की दूरी है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया है कि 1 सेकंड में या फिर 5 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है, तो 5 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 10 मीटर, और एक्सेलरेशन इसका कितना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि यहां पर जो हमारे पास टाइम लग रहा है, तो यहां से यहां तक का 5 सेकंड है, 5 सेकंड में कितनी दूरी तय की, तो 10 मीटर, कितनी दूरी तय की, 10 मीटर है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि पहले सेकंड में कितनी दूरी तय की, या फिर दूसरे सेकंड में कितनी दूरी तय की, तीसरे सेकंड में कितनी दूरी तय की, तो यहां पर ये जो हमारे पास फिक्स सेकंड की बात कर रहे हैं, तो वही सेकंड क्या कहलाएगा, एनवा सेकंड, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं दूसरे सेकंड में, तो ये वाली दूसरे सेकंड की होगी, तो दूसरे सेकंड में, अगर 2 सेकंड में बात करें तो 2 सेकंड की यहां से यहां तक की होगी, दोनों में बात अलग है, 2 सेकंड में मतलब यहां से यहां तक, दूसरे सेकंड में मतलब यहां से यहां तक, ठीक है, तो दोनों की डिस्टेंस अलग है। तो एनवे सेकंड में
nवे सेकेंड में तय की गई दूरी u प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला भी याद रखना है अपन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक कण विराम अवस्था से गति प्रारंभ करता है, एक कण विराम अवस्था से गति प्रारंभ करता है यदि पांचवे सेकेंड में कण द्वारा चलित दूरी, पांचवे सेकेंड में कण द्वारा चलित दूरी 9 मीटर है। पांचवे सेकेंड में, ठीक है ना, पांचवे सेकेंड मतलब Sn बराबर 5। Sn बराबर कितना है? अच्छा, Sn बराबर S5 बराबर चलित दूरी कितनी है? 9 मीटर है। कितनी दूरी है? 9 मीटर है। ठीक है, तो n का मान कितना हो गया? 5 हो गया। तो कण का त्वरण ज्ञात कीजिए। कण का त्वरण ज्ञात करना है, एक्सेलरेशन ज्ञात करना है, तो आपको फॉर्मूला ये वाला लगा देना है। तो S5 इज इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n, n की वैल्यू कितनी है? 5 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? u की वैल्यू तो 0 है क्योंकि विराम अवस्था से स्टार्ट हुआ है, तो u तो हो गया 0। तो S5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 a 10 माइनस 1 9। ठीक है, तो कितना हो गया? 9/2 एक्सेलरेशन निकालना है, और S5 की वैल्यू कितनी है? S5 की वैल्यू 9, तो 9 से तो 9 कैंसिल आउट, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा कण द्वारा 12वें सेकंड में चलित दूरी भी ज्ञात कीजिए। अब 12वें सेकंड में निकालना है, तो S12 कितना हो जाएगा? u प्लस हाफ a 2n, n की वैल्यू कितनी है? 12 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? u की वैल्यू तो 0, 1/2, एक्सेलरेशन कितना आया? 2, और यहां पर 23 हो जाएगा। ये S12 निकालना है, 2 से 2 कैंसिल आउट, 23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच गया। तो यहां पर S12 की वैल्यू कितनी आई? 23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना आया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें आने चाहिए भाई क्वेश्चन। ठीक है, तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी ये ध्यान रखना है, और गति की समीकरण, तीनों समीकरण याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे आपको ये इक्वेशंस अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन करो जितने ज्यादा हो सके। हम जो MCQ सीरीज लाएंगे उनके क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, पहले खुद सॉल्व करो, फिर आप उसको उसका सॉल्यूशन आप देख लो। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा, ये जो वीडियो है थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसलिए मैं इस वीडियो को या इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में कवर करूंगा। ठीक है, इसके कुछ टॉपिक्स हैं जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स में जा रहे हैं, जैसे मैं प्रक्षिप्य गति का जो पार्ट है वो अलग से लूंगा। ठीक है, और 2D 3D अलग से आ जाएगा अपने पास। ठीक है, इसके अलावा रिलेटिव मोशन है, तो 3 टॉपिक हमारे पास कवर करने और बाकी है। इसके रिलेटिव मोशन हो गया, दूसरा हमारे पास प्रक्षेप्य गति हो गया, 2D 3D मोशन हो गया। तो ये तीनों टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।